था उसमें हमने देखा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके बाद टीपू सुल्तान के बारे में, हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में। अब एक और पावर था जो अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बना हुआ था, वो था मराठास। मराठास, वही मराठा जिसका शुरुआत शिवाजी ने किया था, महाराज शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी। और उसी के जो वंश चले आ रहे थे, उनका विजन था दिल्ली पर कब्जा करना। थर्ड बैटल हुआ था जो पानीपत का 1761 ईस्वी में। मराठा चाहते थे कि दिल्ली पर वो कब्जा कर ले, उसके बाद वो अंग्रेजों से निपट लेंगे। लेकिन 1761 में मराठों की हार हो गई और वो दिल्ली पर जो विजय का सपना था वो पूरा नहीं हो सका। मराठा वेयर डिवाइडेड इन मेनी स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग उसके वंश थे, अलग अलग वंशों में बटे हुए थे, डिफरेंट चीफ्स। मराठा वेयर डिवाइडेड इन मेनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स, जिसे सरदार कहा जाता। जैसे कि आपने सिंधिया, अभी भी है माधवराव सिंधिया, सुना होगा ना। सिंधिया ग्वालियर में थे, होलकर इंदौर में, गायकवाड़ बड़ौदा में, बड़ोदरा में एंड भोसले नागपुर में। ये सब कुछ डायनेस्टी थी जो मराठों की पहले से चली आ रही थी। और इन सब का एक हेड था, कहा जाएगी प्रिंसिपल मिनिस्टर था इसका, जिसे पेशवा कहते थे। और पेशवा कहाँ रहते थे? पुणे में। पेशवा का पोजीशन इन चीफ से हाई होता था, वो प्रिंसिपल मिनिस्टर होते थे और वो पुणे में रहते थे। चीफ वेयर द होल्ड। और पेशवा क्या करते थे? इन सारे जो ग्रुप थे, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, इन सबके चीफ को मिलाकर एक साथ रखते थे, एक कॉन्फेडरेसी बना के रखते थे, यानी अलायंस टाइप का। वो सबके मैटर को सॉल्व करते थे और सबको मिला के एक एम्पायर बनाया हुआ था, मराठा एम्पायर उसको कहते थे। आपको ये मैप में बता दें कि जैसे सिंधिया ग्वालियर में, यहाँ मध्य प्रदेश, यहाँ पर सिंधिया थे और इधर इंदौर में, बड़ोदरा में, इस साइड में भोसले और इंदौर के नीचे नागपुर और नागपुर के नीचे यहाँ पुणे। यानी कि पूरा ये नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडिया था, ये मराठा एम्पायर छाया हुआ था। ये बहुत पावरफुल थे, बहुत ये वॉरियर ग्रुप थे, योद्धा टाइप के लोग थे, जिनमें बहुत अच्छे अच्छे सोल्जर थे, महादेव जी सिंधिया एंड नाना फडणवीस लोग, इस तरह के जो फेमस वॉरियर्स थे सोल्जर। इसके दम पर ये मराठा एम्पायर कायम था। नो डाउट मराठा वेयर ए मेजर पावर इन फ्रंट ऑफ कंपनी। अंग्रेजों के सामने एक बहुत बड़ा ये मुसीबत था, दिक्कत था कि मराठों को हराना। फ्रॉम लेट 18th सेंचुरी द कंपनी आल्सो सॉट टू कर्व एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। 18वीं सदी यानी कि 1750-60 के बाद से ही, यानी कि पानीपत में जो हार हुई था उसके बाद, यानी कि 1770-80 के आसपास से ही अंग्रेज इस अवसर के ताक में था कि कब मराठा हमको मौका मिले और मराठा को हम कुचलें। क्योंकि बिना रणनीति बनाए मराठे को सीधे युद्ध में हराना अंग्रेजों के लिए बहुत मुश्किल था। डर ये उनको डर लगता था कि ये हार जाएगा उससे। मराठा वेयर नॉट डिफीटेड इन द सिंगल वार। मराठा एक ऐसा पावर था जिसे सिंगल वार में हराया नहीं जा सकता। कंपनी सबड्यूटेड मराठा इन सीरीज ऑफ वार। इसके साथ कई युद्ध करके इसने मराठा पावर को कमजोर किया धीरे धीरे और लास्ट में खत्म किया। द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो आपके बुक में है 1775-1782, ये फर्स्ट मराठा वार जो वार हुआ था, ये सक्सेशन को लेकर रहा था, उत्तराधिकार को लेकर। यानी कि गद्दी पर ये जितने भी ये सिंधिया थे, होलकर थे या गायकवाड़ वगैरह थे, सब जगह ये उत्तराधिकार की लड़ाई बहुत मुश्किल वाला था इनके लिए। उत्तराधिकार की लड़ाई के वजह से ही आपस में इसकी डिसयूनिटी हो जाती थी और जिसके वजह से अंग्रेज इसका फायदा उठा लेते थे। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार का रीजन भी वही था
सक्सेशन के लिए ये लोग आपस में भिड़ गए थे, जिसका फायदा उठाकर अंग्रेज चाहा कि हम लाभ उठा लें, लेकिन उस समय उसको फायदा नहीं मिला, नो क्लियर विक्ट्री, क्योंकि सारा मराठा जो एम्पायर उस समय एक हो गया और अंग्रेजों के खिलाफ हो गया और अंग्रेज हारने हारने की स्थिति में थी। लेकिन बाद में बंगाल से कुछ सेना भेजा गया, जिसकी वजह से कुछ इज्जत बची अंग्रेजों की और उसने झट से ट्रीटी कर लिया, ट्रीटी ऑफ सालाबाई, जिसमें किसने कहा कि हम 20 साल तक अब मराठा से युद्ध नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट किया कि 20 साल तक हमारा कोई युद्ध नहीं होगा, इसे ट्रीटी ऑफ सालाबाई कहते हैं। या 1782 की बात कराइए, मराठा चाहते तो अपनी यूनिटी को बना के रख सकते थे, लेकिन सक्सेशन का मामला फिर से उभर गया और तब तक इधर 20 साल भी पूरा हो गया। 1803 ईस्वी में सेकंड एंग्लो मराठा वार जो 2 वर्षों तक चला, 1805 तक ब्रिटिश प्रूव्ड सक्सेसफुल इन वार। तब तक अंग्रेजों ने काफी तैयारी कर ली थी मराठों के खिलाफ और इसमें उसको थोड़ा सफलता मिली और इसने ब्रिटिश के कुछ अंग्रेजों ने कुछ टेरिटरीज को भी हासिल किया, उड़ीसा आगरा दिल्ली वगैरह पर इसका कब्जा हो गया, अंग्रेजों पहले मराठों पर का अधिकार था। और इसमें जो सेकंड वर्ल्ड जो एंग्लो मराठा वार हुआ था, इसका मुख्य कारण था कि अंग्रेज कह रहे थे कुछ सिंधिया और होलकर जैसे लोगों को कह रहे थे सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने के लिए, यह सब्सिडरी अलायंस मराठा नहीं करना चाहते थे। इसी मैटर पे युद्ध भी हुआ था और जब युद्ध हुआ तो इसका कुछ राज्य भी चला गया और सब्सिडरी अलायंस को भी इसने साइन कर लिया। जो थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ, इसमें जो पेशवा वजीराव सेकंड थे, जिसका पिक्चर भी देखा होगा, पेशवा वजीराव सेकंड ने खुद से अंग्रेजों पर युद्ध, अंग्रेज प्रेसिडेंसी पर अटैक कर दिया था 1817 और 18 में। ये खुद से इसने ब्रिटिश प्रेसिडेंसी पर अटैक कर दिया और इस युद्ध में मराठा जो पावर है वो बुरी तरह से कुचल दिए गए और जो पेशवा था उनको वहां से हटा दिया गया, यानी कि पुणे से उसको हटा के बिछुर भेज दिया कानपुर और वहां पेंशन पर उसको रखने दिया, जिसने कि उसको वहां क्यों भेजा गया था, इसके पीछे रीजन था, पेशवा को अगर पुणे से हटा के अगर कानपुर भेज दिया गया तो इसका मतलब कि उसका पूरा पावर, उसका सारा चीज खत्म हो गया, अब इसका कोई महत्व नहीं रहा, वो पेशवा नहीं रहा, अब वो राजा भी नहीं रहा, अब उसको पेंशन पे रहना होगा, अंग्रेजों पर डिपेंड रहना होगा। तो इस तरह से शिफ्टिंग ऑफ पावर को भी दिखाया गया। और स्टूडेंट, इस तरह से हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पावर जो अंग्रेजों के लिए बहुत मुश्किल था इसको जीतना, अंग्रेज चाहते थे कि कब मौका मिले हम जीते, और भारतीयों ने, ये मराठों ने उसको मौका दिया और जिसके वजह से ये हमारा जो एक इतना बड़ा एम्पायर था धीरे धीरे वो भी ब्रिटिश के कब्जे में चला गया। आपको याद होगा कि बिछुर, यहाँ झांसी की रानी बिछुर से ही रिलेटेड थी, ये जो पेशवा वहां से पुणे से यहाँ भेजा गया था, यहीं से फिर वो कहानी शुरू होती है रानी लक्ष्मीबाई की, जिसे मनु कहते हैं यहीं उनका, इसी कानपुर में ही उसका लालन पालन हुआ था और फिर उसने 1857 के युद्ध में एक जो बैटल था उसमें रिवोल्ट में भाग लिया था, बदला लिया था। तो ये सब चीज हिस्ट्री में सब एक दूसरे से रिलेटेड इवेंट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, इसको आप बुक में भी पढ़ेंगे, बुक में आपका बहुत शॉर्ट में दिया गया है, हमने थोड़ा सा आपको पीछे से बताना शुरू किया ताकि आपको बैकग्राउंड समझ में आ जाए कि क्या था मराठा, कौन थे मराठा और किस तरह से ये इसका ये तीन युद्ध किया और किस तरह से इसकी हार हुई। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एनेक्सेशन ऑफ सिंध एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह है, ये सब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।